सब हैं, तो शक्ति को मिलकर ही शिव शिव बने हैं, तो उसी की प्रतीक हमारी मात्र शक्तियाँ आज सामूहिक रूप से कलश यात्रा निकाल रही हैं। क्योंकि आज तीज का दिन है और तीज के ही दिन माता गौरा को शिव जी को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त हुआ था। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या है खबर, डालते एक नजर। शाहजहांपुर में पिछले 8 वर्षों से लगातार हो रही शिव महापुराण कथा का आगाज हो गया है। इस बार कथा के मुख्य आयोजक हरीशरण वाजपेयी ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री 2024 में यूपी में सभी सीटें भाजपा की जीत के साथ प्रधानमंत्री को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की संकल्प के साथ शिव महापुराण शुरू कराई गई है। श्रद्धालुओं को ऊर्जा देने वाला यह शिव महापुराण इस बार छात्राओं को भी ऊर्जा देगा, जिसके चलते आयोजकों ने इस बार स्कूली छात्राओं को भी इस शिव महापुराण में बुलाकर उन्हें अध्यात्म से जोड़ने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों लगातार हो रहे शिव महापुराण पूरे देश और संसार के लिए पर्यावरण स्वच्छता, वातावरण स्वच्छता और शहर की समृद्धि के साथ यहाँ के निवासियों के निरोगी रहने के संकल्प के साथ शिव महापुराण होती रहती है। इसके चलते इस खिरनी बाग मैदान में शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इस कथा के शुरू होने से पहले कलश यात्रा शोभा यात्रा शहर में निकाली गई, जहां ऐतिहासिक इस कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने कलश सिर पर रखकर इस शोभा यात्रा में भाग लिया। इस शोभा यात्रा में भगवान शिव का शिवलिंग और बनारस से आए डमरू चर्चा का केंद्र रहा है। तो शक्ति को मिलकर ही शिव शिव बने हैं, तो उसी की प्रतीक हमारी मात्र शक्तियाँ आज सामूहिक रूप से कलश यात्रा निकाल रही हैं। क्योंकि आज तीज का दिन है और तीज के ही दिन माता गौरा को शिव जी को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त हुआ था, तो आज सभी सुहागन स्त्रियाँ 16 श्रृंगार करके अपने अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए वर मांगती हुई ये कलश यात्रा निकालेंगी। और ये कलश यात्रा ना जाने कितनी, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो अपने सौभाग्य के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए ये आयोजन 9 सालों से लगातार होता हुआ आ रहा है। जब ना जाने कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हुई है, तो सभी लोग एक साथ मिलकर कलश यात्रा निकालते हैं, 16 श्रृंगार करके निकालते हैं। और ये हम लोग क्या पूरा ही शाहजहांपुर ये राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, सभी रोगों के नाश के लिए, सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शाहजहांपुर में ये भव्य और धार्मिक आयोजन होता है। और इस आयोजन में मेरी विशेषकर छात्रों से विशेष आग्रह है कि इस आयोजन में आए, इनके लिए गुरुजी एक मोटिवेशनल मतलब एक क्लास एक स्पीच देंगे कि छात्रों को भी अध्यात्म से जोड़ा जाए। तो ये छात्रों के लिए भी एक विशेष कथा है और छात्रों को भी अध्यात्म से जोड़ा जाएगा इसमें। और कलश यात्रा का तो बड़ी धूम मची है और सब 16 श्रृंगार करके बड़े झूमते हुए मस्ती से, किसी को कोई धूप नहीं लग रही, किसी को
कोई थकान नहीं लग रही है, तो बड़े उमंग से, चूंकि आज तीज है तो तीज की वजह से सब सोलह श्रृंगार करके झूमते हुए कलश यात्रा लेके अभी हम भोले बाबा की अगवानी करने के लिए कलश यात्रा लेकर जाएंगे। तो हम सभी शिव भक्तों को सावन के महीने में बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आके कलश यात्रा में सब लोग शामिल हुए। भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। ये इस बार की जो नौवीं बार कथा है, ये जो सन 2024 में माननीय मोदी जी के लिए समर्पित है कि हमारी जो है 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आए, ये संकल्प लेके हम ये कथा कर रहे हैं भगवान शिवपुराण की। और जो हमारे इसमें व्याप्त आतंकवाद और समस्याएं जो हैं, ये सब दूर हों, लोगों को शांति मिले, लोगों की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हों। और इसका जो हमने संकल्प लिया है वो केवल ये लिया है कि 2024 में हमारे मोदी जी दोबारा आएं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सभी सीटें प्रचंड रूप से मिलें, इसके संकल्प के साथ ये कथा मैंने शुरू की है। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग केजीएन इंडिया न्यूज, माई सेल्फ मानसी अरोड़ा ऑन द चैनल। इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, देन फर्स्ट सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन।